हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जो आपके TGT एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। और मेरी सीरीज़ जैसे चल रही है 2021 का जो पेपर मैं करा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। और इसकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें पूरा पेपर होगा और पूरे पेपर को मैं एक बार आपको समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? वो वीडियो मेरी आप ज़रूर देखना, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। ये मेरा पेसेज है जो क्लॉज टेस्ट वाला पेसेज आया था आपके लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए कल हो गया था फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस मैंने कल करा दिया था, आज मैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ओके? तो यहाँ पर देखियो, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, देयर परसुइट ऑफ नॉलेज their pursuit of knowledge their pursuit of knowledge which which dash the soul of a university the soul of a university university the soul of a university option hai pehla pehla option hai aapke liye make या मैक्स में से किसी एक का सिलेक्शन आपको करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक वर्ड का सिलेक्शन करना है। तो एक वर्ड के सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, तो देयर परसुइट ऑफ नॉलेज। तो मेरा सब्जेक्ट कौन हुआ, देयर परसुइट, यानी ऑफ के बाद वाला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, है ना? तो देयर परसुइट ऑफ नॉलेज जो है आपका, इसमें से सब्जेक्ट निकलेगा और देयर परसुइट ऑफ नॉलेज, देयर परसुइट, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, इतना पार्ट, ओके? अब विच यहाँ पर आ रहा है जो जोड़ रहा है, यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। कैसा कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। क्यों, प्लूरल भी इसमें से कौन सा है, मैक है, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा, यानी मैक, मैक द सोल ऑफ ए यूनिवर्सिटी, इज राइट। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, The university is the sanctuary of the university is the sanctuary of the dash life of country life of country। तो देखो यहाँ ना मुझे जो प्रॉपर वर्ड है ना उसका यूज़ करना है। तो यहाँ नेशनल या इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, तो देखो यहाँ पे नेशनल और या इंटेलेक्चुअल में से एक आपको ना बिल्कुल राइट ऑप्शन में फिल करना है। द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द डैश लाइफ ऑफ द कंट्री।
तो देखो यहाँ पर ना इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा है, कैसी लाइफ की, जो बौद्धिक है ना, नेशनल की नहीं बात कर रहा है, राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल बुद्धि की आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल ये आपका राइट ऑप्शन होगा, इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, द हेल्थी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ फाउंड इन द पीपल डैश आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग। अवेकनिंग इज राइट ना। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर वर्ड को फाइंड करना है। ऑप्शन दे या यू में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो देखो ये हमारा क्या है, द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ कंट्री। तो ये प्लूरल चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, ऊपर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे एक सेकेंड पर्सन नहीं चल रहा है बल्कि थर्ड पर्सन चल रहा है, और पेसेज में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की बात की गई है, और यहाँ पर ओवर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दे। तो दे आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों ना, समझ आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी डैश ऑफ सोसाइटी। तो यहां पे राइट ऑप्शन आपको फिल करना है, एक तरह से मोमेंट, या मूवमेंट्स। इनमें से ना एक वर्ड मुझे फिल करना है, तो दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी यहाँ पे समाज है, तो समाज में क्या होता है, एक तरह से मोमेंट्स नहीं होते हैं बल्कि मूवमेंट्स होते हैं, यानी आंदोलन होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका मूवमेंट्स होगा, ये मूवमेंट्स है ना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी स्टार्ट ए फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट
डिश, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वर्ड लेके आना है, प्रिंसिपल्स, एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ना मुझे करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। देखो ये प्रिंसिपल्स, ये तो प्रधानाचार्य होगा, जबकि ये प्रिंसिपल सिद्धांत होगा। ओके, तो यहाँ पे आंदोलनों की बात हो रही है, मूवमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? पैसेज में दिखाया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि वहाँ प्रधानाचार्यों की बात नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पर सिद्धांतों की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रिंसिपल्स। तो ये आपका प्रिंसिपल्स राइट ऑप्शन हो जाएगा, इज राइट ना? ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विच मेक द सॉल ऑफ ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा मेक। ओके, क्यों? क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। द यूनिवर्सिटी इज़ द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे देखो इंटेलेक्चुअल आएगा, ना कि नेशनल आएगा। दे के साथ आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग। तो यहाँ पर देखो दे का यूज़ होगा, ना कि यू का, क्यों? क्योंकि ऊपर थर्ड पर्सन की बात की गई है। दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवॉल्यूशनरी मोमेंट्स ऑफ सोसाइटी। पेसेज को पढ़ने के बाद हमने ये पता लगाया कि देखो यहाँ पे दे के साथ दे आ रहा, तो ये वाला हमें ऑप्शन वैसे ही मिल गया। तो दे के साथ आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवॉल्यूशनरी, तो रिवॉल्यूशनरी इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर मोमेंट की बात की गई है। वी स्टार्ट ऑफ ए फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स आ जाएगा, ना कि प्रिंसिपल आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, सभी क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल हैं, क्योंकि पूरा पेसेज था टीजीटी का। मेरे ऐसे ही वीडियोस, मेरे क्वेश्चन पेपर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है प्लीज़ आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।